मेयर लाहौर अंधेरों में डूबी शाहराएं रोशन करने के लिए कोशा। 9 जोन में स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी के लिए टेंडर जारी। 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने शहर को रोशन करने के लिए टेंडर्स हासिल कर लिए। 2 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स खरीदी जाएंगी। हर जोन में 20 लाख की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएगी। महंगाई ने गरीबों का जीना आजाब बना दिया। दालों की कीमतें आसमां पर पहुंच गई। दाल चना 140 से 150 रुपए किलो तक फरोख्त। दाल माश 40 रुपए महंगी, कीमत 225 रुपए किलो हो गई। काले चने 150 रुपए किलो में फरोख्त। दाल मसूर के निर्ख 170 रुपए से 200 रुपए तक जा पहुंचे। आटे की कीमत में इजाफा, रोटी महंगी करने का फैसला। नानबाई एसोसिएशन ने कल इजलास तलब कर लिया। रोटी 10 से 12, नान 15 से 18 रुपए करने की तजवीज। नानबाई एसोसिएशन का कहना है कि आटे की बोरी 4800 से 6000 रुपए की हो गई। मौजूदा कीमत पर नान रोटी नहीं बेच सकते। LDA शोभा टाउन प्लानिंग का 5 का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। एवेन्यू 1 के ब्लॉक M और F में 2 गैर कानूनी इमारतें मिसमार। ब्लॉक C में 2 और ब्लॉक F में 3 इमारतें सरबमोहर कर दी। रिहायशी इमारतों का गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का सगियां हजरत अली रोड पर गोदाम में छापा। स्मगल शुदा खुश्क दूध, देसी घी और बॉडी परफ्यूम्स की भारी खेप बरामद। स्मगल शुदा सामान की मालियत 4.5 करोड़ से जायद है। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की हदायत पर छापा मारा गया। SP कैंट का करप्ट अहलकारों के खिलाफ एक्शन। डिफेंस बी थाने के ASI समेत 3 अहलकार मुअत्तल। होने वालों में ASI सुब सुल्तान, हेड कांस्टेबल खालिद और कांस्टेबल सईद शामिल। DSP गुलाम दस्तगीर को इंक्वायरी का हुक्म। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तुर्की के दौरे पर पहुंच के इस्तंबुल में 12वीं बॉस्फोरस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। 80 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हैं। चौधरी सरवर की UNO के साबिक सदर वॉल्कन बॉस्कर से भी मुलाकात। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से श्रीलंका के एजाजी काउंसिल जनरल की मुलाकात। श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से परियांथा कुमारा की मैयत एजाज के साथ भेजने पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चौधरी परवेज इलाही की श्रीलंकन हुकूमत, आवाम और सोगवार खानदान से ताजिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की बेटे जुनेद सफदर की शादी की तकरीब में एक और गाना गुनगुनाते हुए वीडियो मंजरियाम पर। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा गाने की वीडियो भी वायरल हुई थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की भी ऐसी ही वीडियोस वायरल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की अरशद अली घुरकी मरहूम के घर आमद। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अरशद अली मरहूम के अहले खाना से ताजियत की। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी। IG जेल खाना जात से NRTC के वफ्द की मुलाकात। DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर अहमद खान, जनरल मैनेजर नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन सैयद मुजफ्फर अहमद की शिरकत। जेलों में मौजूद जैमर्स को मजीद 3 साल तक फाल रखने पर इतफाक। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा नईम मीर का हफीज सेंटर का दौरा। शेख इमरान, शेख अमजद और शेख फयाज भी हमरा थे। ताजरों ने आतिशजदगी से मुतासर हिस्से की बहाली का अमल शुरू कर दिया। नईम मीर का 1 लाख रुपए देने का ऐलान। शहर की ताजे बरादरी से हफीज सेंटर की बहाली के लिए फंड रेजिंग की अपील। UMT में मुनशियात के इस्तेमाल, नुकसान और रोकथाम के हवाले से सेमिनार। सूबाई वजीर एजाज आलम ऑगस्टन, MPA सादिया सुहेलजाना, डॉक्टर नूरुज़्ज़मान रफीक और फौजिया सईद की शिरकत। सेमिनार में शरीक मुकर्ररीन ने मुनशियात के नुकसान पर रोशनी डाली। बल्गारिया की सफीर आइरेना गंचेवा का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद से मुलाकात की। बल्गारिया की जामियात से ताल्लुकात को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।